हे गाइस, मैं हूं गौतम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली आज वो दिन आ गया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि वन प्लस ने फाइनली लॉन्च कर दिया है एंड्रॉयड 11 का स्टेबल अपडेट वन प्लस नॉर्ड के लिए। तो फटाफट चेक कर लेते हैं इसको एक बार अपडेट को। तो जो अपडेट है वो अभी रेगुलर फ़ोन पे मेरे को नहीं मिली है, मैंने ऑक्सीजन अपडेटर के थ्रू ही इसको चेक किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन ओएस 11 जो सिस्टम में लिखा हुआ अपडेट टू एंड्रॉयड 11 वर्जन। तो ब्रांड न्यू यूआई डिज़ाइन मिलता है हमें यहाँ पे। तो साथ में हमें यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि हमें जो नया इन्होंने इनसाइट क्लॉक मतलब ऐड करी थी वो इसमें हमें मिल जाता है। जो मैंने वन प्लस 80 पे यूज़ करी थी, मेरे को थोड़ा बर्न इन का इशू आ रहा था, इसलिए मैंने इनसाइट को ज़्यादा यूज़ नहीं किया। और मैं अभी भी इसमें मतलब यूज़ करने में डरूंगा वन प्लस नॉट पे। तो यहाँ पे हमें एम्बिएंट डिस्प्ले में कैनवेस का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाता है, जो किसी भी फोटो को मतलब आउटलाइन करके एक बार आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे देखने को मिल जाता है। काफ़ी कूल फीचर है वो भी। तो यहाँ पे हमें अब डार्क मोड का जो है वो क्विक पैनल में एक टॉगल भी मिल जाता है फाइनली। तो वन प्लस की जो शेल्फ है उसका भी जो डिज़ाइन है वो चेंज हो गया है, यहाँ पे ब्रांड न्यू शेल्फ यू मिल जाता है। गैलरी में जो है हमें यहाँ पे स्टोरी का फीचर मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ऑप्टिमाइज द लोडिंग स्पीड टू इम्प्रूव द इमेज प्रीव्यू एक्सपीरियंस। अपडेट का जो साइज़ है वो अराउंड 2.91 GB है, मगर जब आप डाउनलोड करने जाओगे तो ये अराउंड 3 GB के आसपास ही पड़ता है। तो मैंने जो है वो ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है और साथ में मैंने इसको जो है इंस्टॉल भी कर लिया है। अब मेरे को बस फ़ोन को करना है रीबूट और यहाँ पे जो है मेरे पास एंड्रॉयड 11 की अपडेट फाइनली आ जाएगी। तो चलो फटाफट कर लेते हैं इसको रीबूट। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है, तो एकदम हैवी अपडेट है तो थोड़ा टाइम यहाँ पे लगेगा इंस्टॉलेशन में। तो यूजुअल जो अपडेट होती है छोटी मोटी उनसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे आप थोड़ा डरना मत, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। यहाँ पे कुछ बटन वगैरह प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट करिए, अपने आप वो जो है अपने आप इंस्टॉलेशन के बाद अपने आप रीबूट होगा फ़ोन। तो अपडेट जो है इंस्टॉल हो गया और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पूरा यूआई का जो है डिज़ाइन चेंज हो गया है। अब इसको आपको मैं सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन दिखा भी देता हूँ। तो अबाउट फोन में जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन जो है वो हो गया 11। एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट 1 जनवरी की ही है अभी, और गूगल प्ले सिस्टम अपडेट 1 फरवरी की है। जो बिल्ड नंबर है वो ऑक्सीजन ओएस 11। तो कुछ इस तरह से हमें जो है वो यहाँ का नया डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। तो अब यहाँ देख सकते हो टॉगल में हमें डार्क मोड का टॉगल मिल गया है, तो फाइनली इजीली हम जो है वो यहाँ से डार्क मोड टॉगल कर सकते हैं। और यहाँ पे अब नियर बाय शेयर का ऑप्शन भी हमें आ गया है, तो जो भी फ़ोन नियर बाय शेयर को सपोर्ट करते हैं उन सब पे अब हम इजीली फाइल जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गैलरी में अगर जाएँ तो गैलरी में हमें स्टोरीज का ऑप्शन नया मिल जाता है। तो ये गैलरी का यूआई थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ फोटोज़ है, यहाँ पे कलेक्शंस है, और यहाँ पे एक्सप्लोर नो स्टोरीज एट। तो ये अपने आप थोड़ी जो स्टोरीज़ हैं वो बिल्ड होती हैं, और यहाँ पे जाके हमारे पास क्रिएट स्टोरी का ऑप्शन आ जाता है। तो मैं यहाँ कैमरा सेलेक्ट कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो है एक तरह से स्टोरी बन गई है अब यहाँ पे। तो म्यूज़िक वगैरह ऑटोमेटिकली ऐड हो गया इसमें, प्रॉपर स्टोरी का फीचर आ गया, तो आप ये शेयर कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पे। तो गाइस फटाफट एक बार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं एम्बिएंट डिस्प्ले, तो ऑलवेज ऑन एम्बिएंट डिस्प्ले का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, हम शेड्यूल भी कर सकते हैं इसको। और जो सबसे नया फीचर इसमें हमें मिलता है वो है हॉरिजन लाइट का, रेड ऑरेंज और पर्पल के ही 3 ऑप्शन हैं अभी। और अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कस्टमाइज़ करना है तो हमें यहाँ जाना होगा कस्टमाइजेशन में। तो यहाँ पे हमें एक कैनवस का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ में हमें यहाँ मिल जाता है क्लिक ऑन एम्बिएंट डिस्प्ले। तो यहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले के अलग अलग जो ऑप्शन हैं हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो समथिंग लाइक दिस। तो ये है इनसाइट, तो इसको ही लगा के दिखा देता हूँ मैं पहले आपको। तो फिंगरप्रिंट मैंने यहाँ पे अभी इस पर सेटअप किया नहीं हुआ था, एक क्विकली वो भी सेटअप कर लेता हूँ पहले। तो फाइनली फिंगरप्रिंट ऐड हो गया है, तब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देख लेते हैं कैसा लगता है। तो
तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं मिलता है हमें, ब्राइटनेस थोड़ी कम लग सकती है आपको, आई थिंक ब्राइटनेस सही है क्योंकि उससे बैटरी जो है थोड़ी सेव हो जाएगी लेस ब्राइटनेस पे। तो गाइस मैं पर्सनली तो ये वाला यूज़ नहीं करता, मेरे को बर्न इन का इशू ये वन प्लस 80 पे देखने को मिला था। तो यहाँ पे कैनवस का भी एक फीचर है, वो पहले वो चेक कर लेते हैं, तो देख लेते हैं ये सही से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जब मैंने इसको टेस्ट किया था बीटा वर्जन में तब उस पर ये ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो प्रीव्यू यहाँ पे हो रहा है, एनालाइज हो रहा है फोटो को, तो होपफुली सही से काम करेगा ये इस बार। ओह तो कुछ एक अनएक्सपेक्टेड सा एरर आया था मगर उसके बाद ये कंप्लीट हो गया है। तो कुछ ऐसा जो है वो अनलॉक का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो लग तो रहा है इस बार की एमबी डिस्प्ले जो है वो सही से काम कर रहा है, अनलॉक कर लेते हैं। तो गाइस बस ये था इस वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी अब मैं इस फोन को यूज करूंगा कुछ दिन के लिए और देखूंगा कि आप इसमें कुछ बग्स है कि नहीं, कितना स्टेबल है ये एंड्रॉइड 11 का जो अपडेट आया है। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपके पास अभी तक इसका अपडेट आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप ऑक्सीजन अपडेटर ऐप यूज कर सकते हो इसको अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।